ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पूछनीयता और एएसआई सर्वे के मामले पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज की है। साथ ही कोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी है। इसके अलावा वाराणसी कोर्ट को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया गया है। एएसआई सर्वेक्षण के मामले में भी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की है। कोर्ट ने कहा है कि एएसआई को जो सर्वे हुआ है वही मान्य होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कुछ और सर्वे करना चाहेंगे तो कोर्ट में हिंदू पक्ष अर्जी दे सकता है। इसके साथ ही वकील विजय शंकर ने दावा किया है कि हाई कोर्ट ने वजूखाने के सर्वे पर कोई ऑर्डर नहीं दिया है, ऐसे में अब वजूखाने का भी सर्वे हो सकता है। बता दें कि इंतजामिया कमेटी की 3 और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 2 याचिकाओं पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सर्वे को लेकर वकील विजय शंकर का दावा है कि वजूखाने का भी सर्वे होगा। ने 5 रिट याचिकाएं जो मुस्लिम पक्ष के तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया और यह होल्ड कर दिया कि ये जो सूट 1991 का दाखिल किया गया है वाद संख्या 610 सन 1991 दैट इज नॉट बार्ड बाय सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 एंड कोर्ट को लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एक्सपीडिशियसली चूंकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किए हुए इसलिए तुरंत एक्सपीडिशियस डिस्पोजल इस केस का करें और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि विद इन 6 मंथ्स इस केस को फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करें। और एएसआई के संबंध में माननीय न्यायालय ने यह कहा कि वाद संख्या 18 सन 21 में राखी सिंह के केस में जो एएसआई के द्वारा रिपोर्ट फाइल की गई है कल जनपद न्यायाधीश वाराणसी के न्यायालय में वो सेम रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड इन दिस केस एंड इफ एनी डायरेक्शन इन द ऑर्डर हैज बीन नॉट कम्प्लाइड विथ इन दैट एएसआई रिपोर्ट अगेन वो सर्वे करें और उसकी भी रिपोर्ट फाइल करें इस केस में। इस प्रकार का डायरेक्शन एएसआई को भी दिया गया है। वजूखाने का भी फिर से वजूखाने एरिया का भी होगा वजूखाना का डिस्प्यूट और जो ऑर्डर है वो इस केस के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं दिया है इसलिए वजूखाने का भी होगा सर्वे इस केस में बिल्कुल किया जाएगा। और बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे हमारे साथ और उपेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता दोनों हमारे साथ बने हुए। सर्वेश सबसे पहले आपसे जानेंगे, बताइए विस्तार से कि आखिर क्या हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है और किस तरीके से अब इस पूरे मामले को देखा जाए। देखिए आज ये कह सकते हैं कि ज्ञानवापी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष के लिए काफी अहम दिन है क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं थी जिसमें से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और इसके साथ ही साथ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 5 याचिकाएं थी, सभी याचिकाओं को कोर्ट ने एक साथ खारिज कर दिया है। 3 याचिकाएं पोषणीता को लेकर जुड़ी हुई थी। वर्ष 1991 में वाराणसी जिला अदालत में जो केस दाखिल किया गया था सिविल सूट, क्या उसकी सुनवाई हो सकती है कि नहीं। और 2 जो याचिकाएं थी वो याचिकाएं इस बात को लेकर थी कि 8 अप्रैल 2021 को सिविल जज सीनियर डिवीजन आशुतोष तिवारी का जो आदेश था जिसके हिसाब से वहां पर एएसआई सर्वे विवादित स्थल का किया जाना था उसको लेकर चुनौती दी गई थी। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए जो तमाम रोक लगी थी तमाम जो इसमें ऑर्डर थे उनको भी अब हटा दिया है। अब किसी तरह की कोई रोक नहीं है यानी कि एएसआई का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके साथ साथ कोर्ट ने लोअर कोर्ट को यानी अधीनस्थ अदालत यानी जिला कोर्ट वाराणसी को आदेश दिया है कि पूरे मामले की सुनवाई 6 माह के अंदर की जाए। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कई गंभीर टिप्पणियां भी की हैं। कोर्ट ने यह कहा है कि ये जो मुद्दा है ये राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और कोर्ट ने इसके स्वरूप को लेकर भी कहा है कि कोई भी स्थल जो है वो धार्मिक स्थल वो किसी एक धर्म का एक समुदाय का हो सकता है और ये अब किसी एक व्यक्ति या इस जुड़ा मामला नहीं है बल्कि ये 2 समुदायों से जुड़ा मामला है। कोर्ट की ये गंभीर टिप्पणी इस मामले पर आई है और कोर्ट ने लोअर कोर्ट को ये भी कहा है कि इसका जो स्वरूप है वो भी तय किया जाना चाहिए। तो इसका स्वरूप भी तय होगा कि न या तो सिर्फ मस्जिद हो सकती है या सिर्फ मंदिर हो सकता है, कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसा कहा है। इसके साथ ही साथ अब इस मामले में
आगे जो है वो प्रोसीडिंग जिला कोर्ट में चलेगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष के पास इस बात का विकल्प मौजूद है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अगर जाना चाहे तो वो जा सकता है। जी बिल्कुल सर्वेश, उपेंद्र भी हमारे साथ बने हुए। उपेंद्र, जिस तरीके से वाराणसी की जिला अदालत में एएसआई ने सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की और उसको लेकर के भी आगे आने वाले वक्त में सर्वे की रिपोर्ट को लेकर के भी फैसला या तमाम चीजें आएंगी, ऐसे में हाईकोर्ट ने जिस तरीके से पांचों याचिकाओं को खारिज किया है, वहां से क्या रिएक्शन आपको मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखो पांचों याचिकाएं खारिज होने के बाद एक तस्वीर साफ हो गई कि जो 1991 का मुकदमा था, जो जिसको लेकर अभी चर्चा नहीं हो रही थी, अचानक से वो राष्ट्रीय जो है चर्चा का विषय बन गया। क्योंकि इस मुकदमे पर सबसे पहले अगर एएसआई का ऑर्डर हुआ था तो इसी मुकदमे पे हुआ था, सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से हुआ था, जिसके बाद मस्जिद पर हाईकोर्ट चला गया था, रिविजन दाखिल कर दिया था, वहां पर सुनवाई चल रही थी। अब चूंकि इसके बाद एक मुकदमा और दाखिल होता है सिंगार गौरी का, उस पर एएसआई सर्वे हो चुका होता है। सुभाष जी, आप उस मुकदमे के वकील हैं, तो अब क्या है इस मुकदमे, आज जो ऑर्डर हुआ उसको हम आसान भाषा में अपने दर्शकों को समझाएं तो उसका आने वाले वक्त में ज्ञानवापी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बात ये करते हैं, बार बार भ्रम इस देश में फैलाया जा रहा था कि ये जो है कानून जो है ये आपके दावे को एक्सेप्ट नहीं करता, ये बाधित करता है, इसलिए ये आपका जो है दावा जो है एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता है। इस पर इनकी लंबी कार्रवाई चली और 33 वर्षों उन्होंने लगा दिया, जबकि सिविल कोर्ट ने ये एएसआई सर्वे का मूल वाद को जो है दर्ज करते हुए स्वीकार करते हुए उसने एएसआई सर्वे की भी मांग की थी जिसपे स्टे लगा हुआ है। अब एएसआई सर्वे नहीं, अब एएसआई सर्वे तो हो गया, आप वाले मुकदमे में हो गया। अब चूंकि उपेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, वक्त की यहां पर कमी है, आपको रोकना चाहेंगे। तो उपेंद्र हमारे संवाददाता और सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि मामले पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कोर्ट का जो आदेश है उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वे होना चाहिए, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, मैं उसका स्वागत करता हूं। एक राम भक्त के नाते, एक शिव भक्त के नाते, एक कृष्ण भक्त के नाते मुझे व्यक्तिगत तौर से जब न्याय मिलने की शुरुआत हुई है, जब मामला न्यायालय के समक्ष है, तो सर्वे के माध्यम से सच्चाई सामने आवे और इस दिशा में माननीय न्यायालय का आदेश है, हम स्वागत करते हैं।